हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी का अभी रिव्यू देंगे। तो मूवी है RRR SS राजमौली सर का। मूवी क्या शुरुआत एक छोटा सा जंगल से स्टार्ट होता है। मैं मूवी के बारे में ऐसे सारे चीज नहीं बता दूंगा, आप खुद आकर हॉल में देखिए तो उसका मजा लीजिए। बहुत बहुत अच्छा मूवी है, बहुत कॉम ऐसा मूवी निकलता है। आप SS राजमौली सर का बाहुबली भी देखे होंगे, तो कितना खतरनाक मूवी बना था। जैसे ये वाला मूवी भी मतलब उसी के जैसा है। जैसे मतलब कुछ जैसे हम लोग कुछ पहले कुछ हुआ है ना, उस चीज़ को अच्छा से कुछ बना के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करके उस चीज़ को बना रहे हैं, मतलब देखने के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम लोग का बाहुबली में क्या ऐसे कुछ रियलिटी स्टोरी नहीं है, बट भी बाहुबली इतना अच्छा हुआ, लोग इतना पसंद किए थे। इस तरह RRR भी ऐसे कोई ब्रिटिशर लोग आकर ऐसे कुछ इंडिया में से हुआ था, ऐसे कुछ स्टोरी भी नहीं है। उसके बाद भी इसको भी लोग बहुत मतलब बहुत अच्छा पसंद करेंगे। पर्सनली मैं बोल रहा हूँ इंटरवल तक तो खतरनाक भी था, इंटरवल के बाद भी बहुत खतरनाक है। एक मिनट भी नहीं लगेगा मूवी कहाँ से बुरा है, कुछ ऐसे वैसे है। और मूवी में पता है आप लोग को आलिया भट्ट भी है, मूवी में आलिया भट्ट है बट इतना ज़्यादा कुछ बात नहीं किए हैं, मतलब बहुत कम बात है, स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला है आलिया भट्ट को, तो वो चलेगा एक्टिंग मतलब। और रामचरण, क्या रामचरण के बारे में बोलेंगे, वो तो एक्टर तो छोड़ो उन लोग बोलना ही नहीं है। और जूनियर NTR वो भी तो एक सुपर है, एक्टिंग एक क्लास है। और डायरेक्शन SS राजमौली कहाँ से निकालते हैं ऐसी स्टोरी, हमें तो ऐसा पता नहीं है। तो बहुत अच्छा अच्छा बहुत सुपर बहुत अच्छा लगा। और क्या हम लोग अमर और मैं दोनों आए थे, बहुत अच्छा लगा। मतलब कोई कहाँ पर भी नहीं लगा कि यहाँ पर डिफेक्ट है, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहिए था, ऐसे भी कुछ नहीं है। मतलब ए क्लास मूवी है। मूवी मतलब आपको हॉल के अंदर ना जैसे 3 घंटा कितना मिनट है, हम लोग 8:45 से बैठे थे 12 बजे तक, पता ही नहीं चला। मतलब मूवी इतना अच्छा, मतलब हर सेकेंड को इतना अच्छा से बनाया गया है। और 3D मतलब इतना हाई क्लास का 3D नहीं है, 3D है मतलब इतना अच्छा से नहीं है, अच्छा से मतलब इतना अच्छा से नहीं है। जैसे हॉलीवुड वाला होता है 3D वाला, ऐसा नहीं है, नॉर्मल है। देखने के लिए अच्छा है, मतलब इस तरह से मूवी इतना ही 3D रखना सही है। और इस और क्या मूवी में, हाँ मूवी हर कोई आकर देख सकता है। मूवी भी जो देख रहा था उसको अच्छा लग रहा था, किसी को ऐसे बुरा नहीं लग रहा था। अरे मुझे तो पर्सनली फिल्म बहुत अच्छा लगा। ये तो रियल नहीं है मूवी, मतलब हम लोग जिसे सोचते हैं उस चीज़ के ऊपर एक मूवी बना है, उसी के हिसाब से एंटरटेनमेंट 100% एंटरटेनमेंट। आपको एक सेकेंड नहीं लगेगा मूवी में कहाँ पर कुछ बुरा है। लोग इस मूवी को कश्मीर फाइल के साथ सेम करेंगे, बट वो गलती मत करना। कश्मीर फाइल एक रियल मूवी है, एक मतलब ये रियल मूवी है, तो इसलिए कश्मीर फाइल और इस चीज़ को अलग अलग करना। कश्मीर फाइल अपने हिसाब से बहुत सही है और RRR अपने हिसाब से बहुत अच्छा है, इसीलिए बहुत अच्छा लगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू और मैं मुझे 5 से इसको रेटिंग करना है तो 5 to 5, बट थोड़ा चीज़ में इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करके मेरे हिसाब से मैं दूंगा 5 का, बट और कुछ चीज़ में दूंगा 4.5। ओवरऑल ये 4.5 स्टार है, किसको 5 स्टार देना नहीं चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहता है। मैं इतना बड़ा क्रिटिक्स नहीं हूँ मूवी का, जे मैं मतलब बता सकता हूँ मूवी इतना अच्छा है, कुछ तो गलत हुआ होगा मूवी में, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ 5 स्टार देना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मैं उतना बन जाऊँगा तो मतलब पता चलेगा मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, तो तब जाकर देंगे 5 स्टार जो मूवी होगा। तो अभी तक मेरे हिसाब से मूवी 4.5 स्टार है। और क्या, और आप लोगों को अच्छा लगता है लग रहा है तो मतलब आपको मूवी देखना है तो हॉल ज़रूर जाइए, आपका पैसा वर्थ इट मूवी है और अच्छा वाला मूवी है। हम लोग अभी आए थे सिम्फनी महल जो भुवनेश्वर में, उसी में देखने के लिए आए थे। मतलब उसका स्क्रीन 2 में था हम लोग का, बट स्क्रीन बहुत अच्छा है, बहुत क्लैरिटी सही है और साउंड बहुत सही था, साउंड बहुत अच्छा था, मूवी बहुत अच्छा है, इसलिए ट्राई कर दीजिए
हॉल में जाकर देखिए मूवी को। रिव्यू जैसे अच्छा लगा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, नहीं तो इस यूट्यूब चैनल में भी आप मैसेज करके बोल सकते हैं क्या मैं गलत बोला हूँ कि सही बोला हूँ। थैंक यू।